हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक अंक हासिल हों। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए अगर आप 90% से अधिक अंक पाना चाहते हैं, तो आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप 10th या 12th में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यह आपके लिए ही वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक अंक लाने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट यह क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको बताइएगा कि कितने घंटे की घर पे पढ़ाई करें कि हमारा जो नंबर है वह बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक आए और हम टॉपर कैसे बने, कितने घंटे की पढ़ाई करें कि हम टॉपर बन जाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बताते हैं कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करें कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक अंक आए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम लगा है, आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो अभी आपके पास जो है कि 3 से 4 महीने का समय है। अभी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वह फरवरी में होगा और अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर मध्य चल रहा है, तो अभी 10 या 15 दिन इस सितंबर में बचे हैं और लगभग आपके पास 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 90% से अधिक अंक लाना है तो आपको घर पर 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो मैं समय बता रहा हूँ, यह आपका कोचिंग और स्कूल छोड़ करके बता रहा हूँ। जब आप कोचिंग ख़त्म कर लें, स्कूल ख़त्म कर लें, और उसके बाद आपको घर पे 4 से 5 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक अंक आए तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिएगा। आप रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए 4 से 5 घंटे, कभी भी आप गैप मत करिए। चाहे आपके संडे की छुट्टी हो या कोई अदर हॉलीडे हो, तो आप कभी भी गैप मत करिए। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का बस समय है और इस 3 से 4 महीने अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके परसेंटेज अगर 90% से ऊपर आ जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आगे चल करके आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। टॉपर भी यही करते हैं, वह अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, वह अपने घर पर 4 से 5 घंटे की पढ़ाई डेली करते हैं, वह और काम भी करते हैं, जैसे खेलते भी हैं और जो है कि और मोबाइल चलाना वगैरह वगैरह वह सारे काम करते हैं, उसके साथ साथ वह 4 से 5 घंटे की डेली पढ़ाई भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रूटीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक आए तो आप अभी से लग जाइए और डेली आप जो है कि 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।